हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है थोड़ा अपने चैनल कैरियर इनफो दे विच। ते अज मैं थोड़े वास्ते पंजाब पुलिस भर्ती 2022 लई कंप्यूटर की बहुत ही इनफोर्मेशन लैके आया हाँ। सो इस विच आपां जिन्ने भी इनफोर्मेशन बनते हैं अज तक दे जो कि एग्जाम विच वार वार पूछे जाते हैं वो डिस्कस करांगे। सो वीडियो तुसीं अंत तक जरूर बने रहियो ते जो भी चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लियो क्योंकि इदां दी जानकारी तुहाडे वास्ते लैके आउंदे रहिंदे हां। ठीक है जी। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते वीडियो करते स्टार्ट ते वधदे हां जी पहले क्वेश्चन के बाद। सो पहला क्वेश्चन है जी, ईमेल का पूरा नाम की है? बहुत ही इनपुट क्वेश्चन है। ठीक है जी, ईमेल सारे पता ही होगी जिस नाल आप मेल वगैरह करते हैं। ठीक है जी, अपने फोन के आम ही आप देखते हैं। सो तुम दसना जी उत्तर की होगा सही। जिन्होंने भी उत्तर पता है वो जरूर कमेंट बॉक्स के दस दो। ऑप्शन जी ईकॉम मेल, इलैक्ट्रॉनिक मेल, अर्थ मेल या नन ऑफ दीस। दसो जी सही उत्तर की होगा इसका। ऑप्शन चढ़ हमने तो यदा भी बिल्कुल राइट आंसर है वह है जी इलैक्ट्रॉनिक मेल। हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर है। ईमेल का पूरा नाम की है? तो बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है जी इलैक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है जी। सो जरूर ध्यान रखियो, वादे हैं जी अगले क्वेश्चन के बाद। हाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, दुनिया का सब तो तेज़ कंप्यूटर किहड़े देश का है? भाव जिन्हें भी अज तक दुनिया के कंप्यूटर बने तो सब तो ज़्यादा जो तेज़ कंप्यूटर है वह किहड़े देश का है? ऑप्शन तो सामने है। ठीक है, चीन, भारत, जापान या अमेरिका। दसो जी सही उत्तर क्यों है इसका। ऑप्शन तो सामने है तो यदा बिल्कुल सही उत्तर है वह है जी जापान। हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर है। दुनिया का सब तो तेज़ जो कंप्यूटर है वह किहड़े देश का है? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा जापान देश का। ठीक है जी, तुम जरूर ध्यान रखना है। वादे हैं जी अगले क्वेश्चन के बाद। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखो जी की बार अपने को, कंप्यूटर की सब तो छोटी इकाई में की नाम दिता जाता है? ऑप्शन है जी बाइट, के बी, एम बी या बिट। दसो जी सही उत्तर क्यों है इसका। ऑप्शन तो सामने है तो यदा बिल्कुल सही उत्तर है वह है जी बिट। हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर है। कंप्यूटर की सब तो छोटी इकाई है। ठीक है जी, कंप्यूटर की वह उसनों किस तरह नाम दिता जाता है वह है जी बिट। ठीक है जी, तुम जरूर ध्यान रखना है। तो जेकर तुम इतने के बी की फॉर्म पूछता है वह है जी किलोबाइट, तो जे एम बी की पूछा तो मैगाबाइट। ठीक है जी, तुम इन गलों में जरूर ध्यान में रखियो। बाकी वादते हैं जी आप अगले क्वेश्चन के वाल। हाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, कंप्यूटर के जिहड़े भाग में आप छू सकते हाँ उसनों की कहा जाता है? ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मेशन है। ऑप्शन है जी आउटपुट, इनपुट, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। दसो जी सही उत्तर क्या होगा इसका। ऑप्शन तो हमने तो यदा बिल्कुल राइट आंसर है वह है जी हार्डवेयर। हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर है। कंप्यूटर के जिहड़े भाग में आप छू सकते हाँ उसनों की कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है जी, तो ना जो जानकारी दस देना कि जेकर तुम्हें पूछा जाता है कंप्यूटर के जिहड़े भाग में आप छू नहीं सकते उसनों की कहा जाता है? ठीक है, तो ढा सही उत्तर होगा सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, जिसनों आप छू सकते हैं वह हार्डवेयर, जिसनों नहीं छू सकते वह है जी सॉफ्टवेयर। सो यह जो क्वेश्चन है एग्जाम के बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जिन्हें क्वेश्चन करवाऊँगा बहुत ही ज़्यादा इनपुन हैं। तो बाकी जो तुम इसका PDF भी चाहिए है वो तुम्हें प्रोवाइड करवा देंगा। ठीक है जी, टैलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन जाकर जरूर ज्वाइन कर लो। बाकी वादते हैं जी अगले क्वेश्चन के बाद। हाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, हेठ लिखियां विचों केहड़ी एक सेकेंडरी मैमरी है? ऑप्शन है जी रैम, रोम, हार्ड ड्राइव या CD रोम। दसो जी सही उत्तर क्या होगा इसका। ऑप्शन तो सामने तो यदा बिल्कुल उत्तर है वह है जी हार्ड ड्राइव। हाँ जी बिल्कुल उत्तर है। हेठ लिखियां विचों केहड़ी एक सेकेंडरी मैमरी है? तो बिल्कुल जो सही उत्तर होएगा वह है जी हार्ड ड्राइव। इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यही ही है कहो जिसनों सेकेंडरी मैमरी कहा जाता है हार्डवेयर में। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान रखियो। वादे हैं जी अगले क्वेश्चन के बाद। हाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस का प्रयोग किया गया सी? सो जो पहला कंप्यूटर बनाए जाते हैं सन। ठीक है जी, तो उन्होंने किस का प्रयोग किया जाता सीगा? ऑप्शन है जी वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसैसर या उपरोक्त विचों कोई भी नहीं। दसो जी सही उत्तर क्यों होगा इसका। ऑप्शन तो सामने तो यदा बिल्कुल राइट आंसर है वह है जी वैक्यूम ट्यूब्स का। ठीक है जी, सो पहली पीढ़ी जो कंप्यूटर होंगे सन। ठीक है, सो उन्होंने किस का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब्स का जो है प्रयोग सब तो ज़्यादा इसका किया जाता है। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान रखियो। तो जेकर तुम्हें जानकारी वधिया लग रही है सो वीडियो लाइक और शेयर भी जरूर कर दियो। बाकी वादे हैं जी आप अगले क्वेश्चन के बाद। हाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, कंप्यूटर में लगी स्थाई मैमरी नूं की कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इनपुन क्वेश्चन है। ठीक है, सो ऑप्शन है जी रैम, रोम, CD-ROM या CD। दसो जी सही उत्तर क्यों होगा इसका। ऑप्शन चढ़ हमने तो यदा बिल्कुल राइट आंसर है वह है जी रोम। हाँ जी बिल्कुल उत्तर है इसका।
कंप्यूटर में जो लगी स्थाई मैमरी होंगी है, ठीक है, तो उसमें की कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर होएगा रोम कहा जाता है। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान रखियो, वादे हैं जी अगला क्वेश्चन के बाद। हाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, कंप्यूटर की शुरू होने की प्रक्रिया में की कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जिन्होंने भी इधर उधर पता है वो जरूर कमेंट बॉक्स के विच लिख दियो। ठीक है, सो ऑप्शन है जी स्टारिंग, बूटिंग, कूलिंग या वार्मिंग। दसो जी सही उत्तर क्या है इस दा, ऑप्शन तो हमने है तो इधर बिल्कुल सही उत्तर है वह है जी बूटिंग। हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर है, कंप्यूटर की शुरू होने की प्रक्रिया में की कहा जाता है, तो बिल्कुल जो सही उत्तर होगा वो है जी बूटिंग है, दो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सो इसमें तुम जरूर ध्यान रखियो, वादे हैं जी अगले क्वेश्चन के बाद। हाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, भारत में खोजे गए पहली कंप्यूटर वायरस का की नाम से। बहुत ही ज़्यादा इनपुण क्वेश्चन है, ठीक है, वैरी वैरी इनपुण क्वेश्चन है, ठीक है जी, एग्जाम पूछा जा सकता है। ठीक है जी, सो ऑप्शन है जी क्रीपर, सी ब्रेन, आई वायरस या बूट सैक्टर। दसो जी सही उत्तर क्यों है इसका, ऑप्शन चढ़ हमने तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वह है जी सी ब्रेन। हाँ जी बिल्कुल उत्तर है, भारत में खोजा गया जो है पहला पहला कंप्यूटर जो वायरस सेगा, ठीक है, वह सेगा जी सी ब्रेन। ठीक है जी, तुम जरूर ध्यान रखियो, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पूछा गया है तो अगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, सो वादे हैं जी अगले क्वेश्चन के बाद। हाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, ईमेल में आई अणचाहिया मेलों में की नाम दिता जाता है। बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, इस बार जो जेल विभाग का पेपर होया सीगा, ठीक है जी, उस विच यह क्वेश्चन है जो पूछा गया सीगा। ठीक है, सो ऑप्शन है जी बग, स्पैम, वायरस या जंग। दसो जी सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन जरा हमने तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है वह है जी स्पैम। हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर है, ईमेल में आई अणचाहिया जो हैं मेल होंदिया, ठीक है जी, उन्होंने की नाम दिता जाता है, तो सही उत्तर होगा स्पैम का नाम दिता जाता है। ठीक है जी, तो तुम जरूर ध्यान रखियो, वादे हैं जी अगले क्वेश्चन के बाद। हाँ जी अगला क्वेश्चन जी, सब तो महंगे कंप्यूटर केड़े होंगे हैं। ठीक है, तुम दसना कि हेठ दिते जिन्हें भी चार ऑप्शन चारों में कि जो कंप्यूटर है सब तो महंगा है। ठीक है जी, तो जिन्होंने भी तुम्हें पता है जरूर कमेंट बॉक्स के विच दस दो। सो ऑप्शन जी मेन फ्रेम, एनालॉग, सुपर कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। दसो जी सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन चढ़ हमने तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वह जी सुपर कंप्यूटर। ठीक है जी, सो इसका बिल्कुल सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर ही है जो सब तो महंगे कंप्यूटर मने जाते हैं। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान रखियो, वादे हैं जी अगले क्वेश्चन के बाद। हाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, सी डी का पूरा नाम की है। यह जो फुल फॉर्म हैं यह तुम बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जाएगी, तो तुम इन्हों रट लो। ठीक है, सो ऑप्शन जी कंपैक्ट डिस्क, करेट डिस्क, कंप्लीट डिस्क या ट्रैक डिस्क। दसो जी सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन चढ़ हमने तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वह जी कंपैक्ट डिस्क। हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर है, सी डी का पूरा नाम तुम देखी होगी सी सी डी जिन्हें तवा भी कहने। ठीक है, सो उसनों उसकी जो फुल फॉर्म है वह की है, वह है जी कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान रखियो, वादे हैं जी अगले क्वेश्चन के बाद। हाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, कंप्यूटर दे प्रोसैसर गति है जो किस द्वारा मापी जाती है। ठीक है जी, कि कंप्यूटर किस तरह प्रोसैस कर रहा है तो किन्ना प्रोसैस कर रहा है, यह जो किस विच मापा जाता है इसकी एक इकाई है, तो वह तुम्हें दसना जिन्होंने भी उधर पता है जरूर कमेंट बॉक्स के विच दस दो। सो ऑप्शन है जी हार्ट्स विच, एम बी पी एस विच, के बी पी एस या टी बी पी एस विच। दसो जी सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन चढ़ हमने तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है वह है जी हार्ट्स विच। ठीक है जी, हार्ट्स विच जो है कंप्यूटर की प्रोसैसिंग जो है स्पीड है या गति है वह मापी जाती है, इसनों तुम जरूर ध्यान रख रखना है। ठीक है, सो नाल दे नाल तुहानू मैं जानकारी दस देना, एम बी मैं दसिया तुहानू अगे मैगाबाइट, के बी किलोबाइट, तो टी बी भी सुन लो, टी बी नूं कहिंदा है टैराबाइट। ठीक है जी, सो यह भी तुहानू एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एम बी पी एम बी ते के बी ते टी बी ते। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान रखियो, वादे हैं जी अगले क्वेश्चन के बाद। हाँ जी अगला क्वेश्चन जी, विश्व के सब तो वड्डे कंप्यूटर नैटवर्क का नाम की है। ठीक है जी, सो तुम दसना है ऑप्शन जी इंटरनेट, वैन, मैन या इंट्रानैट। दसो जी सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन चढ़ हमने तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है वह है जी इंट्रानैट। हाँ जी बिल्कुल इतना है, विश्व के सब तो वड्डे कंप्यूटर नैटवर्क का की नाम है, थोड़ा बिल्कुल राइट आंसर होएगा इंटरनैट, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, सो तुम जरूर ध्यान में रखियो, वादे हैं जी अगला क्वेश्चन के बाद। अगला क्वेश्चन है जी, कंप्यूटर के जिहड़े भाग में असी छू नहीं सकते उसनों की कहा जाता है। हुण तो तुहानू सारयां नू पता लग गया होगा
क्योंकि मैं पहला भी ये क्वेश्चन करवाया है तो आंसर दसता सगा, तो जिन्होंने भी ध्यान सुनया तो अभी तक वीडियो देखी है वो जरूर कमेंट बॉक्स के इसका मैं आंसर दौ। ठीक है जी, सो बाकी बात दें जी अगला क्वेश्चन। हाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, बायोसैटअप किस अंदर लिखा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो ऑप्शन है जी रोम, रैम, सी डी या एस डी कार्ड। दसो जी सही तरीके होगा इसका ऑप्शन चढ़ाने तो इतने बिल्कुल सही तरह वो है जी रोम। हाँ जी बिल्कुल सही तरह बायोसैटअप है जो, ठीक है जी, ये किस दे अंदर लिखा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा रोम में लिखा जाता है। ठीक है जी, सो जरूर माइंड में टाइप रखियो। वादते हैं जी अगले क्वेश्चन के बाद। हाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, कंप्यूटर दिवस कदों मनाया जाता है? ठीक है जी, सो कंप्यूटर की गल कर रहे थे, आप कंप्यूटर के क्वेश्चन कर रहे थे, सो यह भी क्वेश्चन तुम्हें पूछा जा सकता है कंप्यूटर दिवस कदों मनाया जाता है। ठीक है, सो इसते मैं अलग भी एक वीडियो बनाई हुई है कि जिन्हें भी अपने इंटरनेशनल तो नैशनल जिन्हें भी अपने दिवस मनाए जाते हैं उससे मैं एक अलग तो वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, जरूर जाके देख लियो। ठीक है जी, सो ऑप्शन है जी 3 मार्च में, 5 अप्रैल में, 3 नवंबर में या 2 दिसंबर में मनाया जाता है, ये तुम्हें दसना है। सो इधर बिल्कुल सही उत्तर है वह है जी 2 दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है जी, कंप्यूटर दिवस कदों मनाया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा 2 दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है जी, सो तुम जरूर ध्यान रखियो। वादे हैं जी अगले क्वेश्चन के बाद। हाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी किसनों कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, सो जिन्होंने भी तुम्हें पता है जरूर कमेंट बॉक्स में दस दियो। ऑप्शन है जी HTTP, IP, TCP या दूजा तीजा बोस भाव दोनों। ठीक है, सो दसो जी इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन चढ़ाने तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है वह है जी 4th ऑप्शन, दूजा तीजा बोस भाव दोनों। ठीक है जी, सो इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी किसनों कहा जाता है? सो HTTP ते IP दोनों नूं ही इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान रखियो। बाकी बात दें जी आप अगले क्वेश्चन के बाद। हाँ जी अगला क्वेश्चन जी, CPU का पूरा नाम की है? सो ऑप्शन जी सारे उत्तर पता होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोसैसर यूनिट, कंप्यूटर प्रोटोकॉल यूनिट, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट या कंप्यूटर परसनल यूनिट। दसो जी सही उत्तर क्या इसका ऑप्शन चढ़ाने तो इदा ही बिल्कुल राइट आंसर है वह है जी सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। हाँ जी बिल्कुल इधर है CPU का जो पूरा नाम है वह की है सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान रखियो। वादे हैं जी अगला क्वेश्चन के बाद। हाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, मैन का पूरा नाम की है? ठीक है, सो ऑप्शन है जी मैमोरी एरिया नैटवर्क, मैनुफैक्चरर एरिया नैटवर्क, मैट्रोपोलिटियन एरिया नैटवर्क या नन ऑफ दिस। दसो जी सही उत्तर क्यों होगा इसका ऑप्शन चढ़ाने तो इदा ही बिल्कुल राइट आंसर है वह है जी मैट्रोपोलिटियन एरिया नैटवर्क, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान में रखियो। ठीक है, सो आज की वीडियो बस इन्ना ही, होप करा तुम्हें वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो जेकर तुम्हें वीडियो चंगी लगी सो वीडियो लाइक शेयर जरूर करो, तो इदा ही वीडियो होर देखने लिए चैनल जरूर सबसक्राइब कर लियो, बैल आइकन भी प्रेस कर दियो, होर जानकारी साडे टैलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन है। तो मिलते हैं जी इदा की एक होर वीडियो, उदों तक लई रब रखा।